आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहनी में सोमवार की दोपहर तकरीबन 3 बजे एक ऐसा नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब शादी के मंडप से विदा होकर ससुराल जा रही नई नवेली दुल्हन को उसके जेठ ने बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। यह नज़ारा देख लोग दंग रह गए। वहीं जेठ द्वारा अपने साले को बुलाकर दुल्हन को जबरन उसके साथ वापस भेज दिया। वहीं मौके पर मौजूद दूल्हे ने इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट चोराटा थाने में दर्ज कराई है और दुल्हन को वापस दिलाने की फरियाद की है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फरियादी रविराज सिंह ने बताया कि वह 5 भाई है और सोमवार को उसने रानी तालाब स्थित मंदिर में अपने 2 भाइयों सहित बहनों की मौजूदगी में शिवपुरवा निवासी गुड़िया सिंह नामक युवती से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार प्रेम विवाह किया था। विवाह संपन्न होने के बाद वह अपनी पत्नी गुड़िया को लेकर स्कूटी से गाँव मोहनी जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसका बड़ा भाई विजय बहादुर सिंह अपने अन्य साथियों के साथ मिला और स्कूटी से जा रहे रविराज सिंह सहित उसकी पत्नी गुड़िया को रोक लिया, जिसके बाद विजय ने गुड़िया के साथ सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर जम के मारपीट की और अपने साले को बुलाकर गुड़िया को उसके साथ वापस शिवपुरवा भेज दिया। रविराज ने बताया कि उसका बड़ा भाई विजय नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो, संपत्ति के लालच में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। रविराज ने बताया कि वह गुड़िया को बीते 4 वर्षों से जानता है। गुड़िया का एक बार पूर्व में विवाह हुआ था जिसके बाद उसके पति की मौत हो गई थी। रविराज के मुताबिक उसके बड़े भाई विजय बहादुर की ससुराल शिवपुरवा में है, जहां उसकी पहचान गुड़िया से 4 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके बाद दोनों ने सोमवार को परिजनों के मौजूदगी और राजा मंदी से रानी तालाब में प्रेम विवाह किया गया। इसी बात से आक्रोशित होकर उसके बड़े भाई विजय बहादुर सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित द्वारा घटना की रिपोर्ट चोराटा थाने में दर्ज करा दी गई है और पुलिस से फरियादी ने पत्नी को वापस दिलाए जाने का निवेदन किया है।